नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब के चैनल काउंटलेस स्टोर में। आज की इस वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज के बारे में बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत क्या है और किस दिन यह व्रत है और क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले यूजफुल नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाली महिलाओं में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। इस दिन गौरी शंकर की पूजा का विधान है। मान्यता है कि हरितालिका तीज का व्रत करने से सुहागिन महिला के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि कुंवारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरितालिका तीज भाद्रपद यानी कि भादो माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। सभी चार तीजों में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। हरितालिका दो शब्दों से मिलकर बनता है, हरत और आलिका। हरत का मतलब है अपहरण और आलिका यानी सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार माँ पार्वती की सहेली उन्हें जंगल में ले जाकर छिपा देती है ताकि उनके पिता भगवान विष्णु से उनका विवाह ना करा पाएं। सुहागिन महिलाओं के हरितालिका तीज में गहरी आस्था है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता यह है कि इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं, वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप भी इस व्रत को आस्था से करें और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करें।